फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। हम नहीं है किसी के गुलाम, हम नहीं है किसी के गुलाम, हमारी कहानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। मेरे सभी सम्मानित पदाधिकारी वे आवाम, दूर दराज से आई आवाम को मेरा भावपूर्ण नमस्कार, आदाब, जय भीम। सबसे पहले संविधान निर्माता वे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आप लोगों के बीच अपनी बात का आगाज करते हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ, भारत की राजनीति के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर 75 वर्षों के सफर में एक नायाब हीरा जिसका नाम बैरिस्टर अशरुद्दीन ओवैसी साहब है, जो वक्त हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के गरीब दलित जो लोग जो अपनी बात कह नहीं सकते, जो अपने हक बेबस, जो अपनी बात रख नहीं सकते, उनके हक और अधिकार और हिस्सेदारी की बात करते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 3% वाले राज कर रहे हैं और 19% वाले उनकी गुलामी कर रहे हैं, 7% वाले राज कर रहे हैं और 19% वाले उनकी गुलामी कर रहे हैं, 11% वाले राज कर रहे हैं, उस गद्दी पे बैठे हैं और मात्र 3%, 2%, 7% सब राज कर रहे हैं और 19% वाले उनकी दरी बिछा रहे हैं, कुर्सियां बिछा रहे हैं और उनकी गुलामी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, आप लोग एक बीमारी के ग्रस्त हो, बहुत टाइम से आप बीमार हो और ना तो आप डॉक्टर बदल रहे हो, ना दवाई बदल रहे हो, और बीमारी क्या है आपको? गुलामी की बीमारी लग चुकी है। 75 वर्षों से आपको गुलामी की बीमारी लग चुकी है, ना तो आप दवाई बदलना चाहते हैं और ना ही डॉक्टर बदलना चाहते हैं, तो कैसे ठीक होगे? और इस बीमारी का इलाज क्या है? हुकूमत। बीमारी का इलाज गुलामी नामक बीमारी का इलाज है हुकूमत। समाजवादी अभी नया ही वाक्य ले लेते हैं, न्यूज़पेपर में परसों ही सुना है आप लोगों ने और हमने पढ़ा भी होगा, टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, न्यूज रिपोर्टर भी बता रहे हैं, हर जगह आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा। मात्र 2% वालों से अखिलेश यादव समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने उनसे गठबंधन कर लिया, पर 19% वालों से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन्होंने आपसे गठबंधन कर लिया तो आपको अपने बराबर में बिठाना होगा, आपके हक आपके अधिकार की बात करनी होगी। इसीलिए फिर जब आपको अधिकार मिलेगा, आपको बराबर में बैठाएंगे, तो फिर गुलामी कौन करेगा उनकी? तो इसलिए आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, 2%, 3%, 7% वालों से गुलाम करने के लिए तैयार है गठबंधन, पर आपसे नहीं करेंगे। अपने शब्दों को विराम देते हुए सिर्फ ये कहते हुए कि कागज के इंसान पर आग की निगरानी है, कागज के इंसान पर आग की निगरानी है, अंधी सत्ता के हाथों मासूमों की जान गवानी है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, जय भीम।